गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आज की सुबह भी काफ़ी अच्छी रही होगी आपकी। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि डेली एंजल गाइडेंस ही करने वाले हैं हम। तो चलो फिर देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं। डेली एंजल गाइडेंस आप सबके लिए क्या है? एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल्स एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? तो ये हम देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। वन टू एंड लास्ट थ्री कार्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एट ऑफ राफेल, ओके। अफसोस में हो किसी कारणवश, अफसोस हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी ऐसा कि कुछ ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ हुआ है। आपकी लव लाइफ में हुआ है, आपके रिलेशनशिप में हुआ है, आपकी हेल्थ में भी थोड़े इशू चल रहे हैं। इसके साथ ही आप जो है अपने फाइनेंस, अपने करियर में भी थोड़ा निराश हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आपने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, और यहाँ पे आपके जो इमोशंस थे, आपने जो जिस वजह से अपना इमोशंस जोड़ लिया था उस रिलेशनशिप से या फिर उस काम से, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ना एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और एक्सपेक्ट जैसे ही हम करते हैं हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इमोशंस जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो इमोशंस पूरे ना होने के कारण से आप उदास हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा उदास, ठीक है। और अपनी लाइफ में एक तरीके से जो है ना खुश नहीं हो, ठीक। और धीरे धीरे करके जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ अपने लव लाइफ को लेकर के कि हाँ वो वापस आएगा, देन जो है ना हम साथ में जाएंगे। लेकिन अभी जो है ना आपको लगता है कि अभी तो वापस नहीं आएगा, तब तक जो है ना अपने आप को संभालना होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि देखो, एंजल्स गाइडेंस यही दे रही हैं कि आपका कुछ अच्छा वेट कर रहा है। अगर कुछ हमारी लाइफ से ख़त्म हो रहा है तो हमारी लाइफ में कुछ नया भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे एंजल्स वही बता रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेटर होने के लिए जो है ना ये आपका जो रिलेशनशिप है या फिर जो वर्क है इसमें आपको निराशा मिल रही है, क्योंकि उससे अच्छा आपको मिलने वाला है, उससे बेहतर मिलने वाला है, ठीक। यहाँ पे यही है कि आप जो है ना बेटर का वेट करो, ठीक है, इससे बेहतर होने का वेट करो, ठीक है। और आप जानते हो कि आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और कहीं हद तक, ठीक है, आप जानते हो कि आपके लाइफ के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट एंजल गाइडेंस ये है। चलो ये कार्ड भी देख लेते हैं। फोर ऑफ गैब्रियल, वाओ, टू ऑफ गैब्रियल एंड क्वीन ऑफ गैब्रियल, क्या बात है। तीन जगह से मैंने कार्ड निकाले हैं और तीनों जगह के गैब्रियल के कार्ड ही हैं, ओके। सो यहाँ पे कार्ड मुझे बता रहे हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे किसी की यहाँ पे शादी फिक्स नहीं हो रही थी, तो उसकी शादी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। दो महीने के अंदर, चार महीने के अंदर जो है ना शादी फिक्स होते हुए मैं देख रही हूँ कि शादी के वजह से जो लोग परेशान थे, ठीक है, अपनी लव लाइफ में जो लोग परेशान थे या फिर उनके पर्सन उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे दो से चार महीने में जो है ना आपको कमिटमेंट मिल सकती है अपने पर्सन से। मैरिज का प्रपोज़ल आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी लाइफ में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे भी होंगे जो किसी जर्नी में होंगे, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पे सोलमेट भी हो सकते हो आप लोग, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि अब वो जो है ना एक होने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे
डेली एंजल गाइडेंस में क्लियरली कार्ड्स, बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं आज के लिए, कि आपको जो है ना, देखो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हमारी लाइफ में आती हैं जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या करना है करना ये है कि बर्डन को रिलीज़ करना है, ठीक है, जो भी परेशानी है उसको रिलीज़ करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। हम किसी परेशानी को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तभी हम अपना जीवन को जी सकते हैं, वरना हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्डन की वजह से हम अपना अपने आप को कोसने की वजह से हम अपनी खुशियाँ भूल जाते हैं, तो वो नहीं करनी है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। यहाँ पे क्लियर कार्ड्स हैं, टू ऑफ गैब्रियल का कार्ड, बहुत ही अच्छा। आपके जो सपने हैं, आपका जो करियर है, इसमें बहुत सारे जो अपने सपने देखे हैं, ठीक है, आपने सपने ये भी देखे हैं कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, बहुत 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 बड़े बड़े सपने हैं, ठीक। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप जो है ना, आप जो है यहाँ पे आपके वो सपने पूरे होने वाले हैं और उन सपनों को जीने के लिए तैयार रहो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, एक तो एक तरह और अब से देखा जाए तो रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है और आपके जो सपने हैं, जो गोल है आपका, एक गोल होता है हर व्यक्ति का, एक गोल होता है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, और फोकस उसी के प्रति रहता है। तो यहाँ पे फोकस मैं देख पा रही हूँ, आपके जो कार्ड से क्लियरली मुझे बताते हैं कि आप जो है, ठीक है, आप जो है यहाँ पे एकदम से अपने गोल के प्रति फोकस है और आपको वही सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ गैब्रियल, जो कि मुझे बताता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है और पैशनेट भी काफ़ी रहते हो आप, एक एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है, आपके ऊपर कोई कोई अपना जो है ना ये रूल नहीं कर सकता, कोई नहीं, ठीक है, उतना उतना ज़्यादा जो जो आप पे रूल करने आएगा ना, उसको आपको कि बाय बाय चले जाओ मेरी लाइफ से, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है, आपकी एनर्जी वो ऐसी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस हिम्मत रखो कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपको उसी चीज़ के पीछे भागना है जो आप चाहते हो, ठीक है, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आपके सपने हैं, आपका लव लाइफ है, आपकी शादी है, हर एक चीज़ को आप बचा सकते हो, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है। आपके पास, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी होगी, आपका लुक बहुत अच्छा होगा, जिससे लोग बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और इसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं, एंजल गाइडेंस यही दी जा रही हैं कि अभी अभी का जो टाइम है आपको करने का टाइम है, यानी कि आप जो है हिम्मत लगाओ, इस तरह से उदास परेशान नहीं रहो, कुछ अच्छा होता है तो बेहतर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस यही दी जा रही है कि हैप्पी हैप्पी रहो, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो ये रही आज की रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।